पूरे भूखंड पर हिंदुओं की आबादी हुआ करती थी, 60 करोड़ हिंदू यहां रहा करता था। 712 ईस्वी में और 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, उस समय भारत और नेपाल, पाकिस्तान और जो वर्तमान का बांग्लादेश है, इस सब की आबादी मिलकर के हिंदुओं की कुल आबादी बची रही मात्र 35 करोड़। यानी 1235 वर्षों में हमारी आबादी 60 करोड़ से बढ़कर के 120 करोड़ नहीं हुई, 100 करोड़ नहीं हुई, हमारी आबादी 1235 वर्षों में घटी, हम 60 से 30 पे आ गए। ये क्या साबित करता है? हिंदुओं पे क्या अत्याचार नहीं हुआ? क्या हिंदुओं को रौंदा नहीं गया? क्या हिंदुओं के मंदिर तोड़े नहीं गए? क्या हिंदू परंपराओं को लांछित और अपमानित नहीं किया गया? और उस सब के बावजूद कभी भी हिंदुओं ने किसी का हित नहीं किया। दुनिया के अंदर आप जाइए, आज आप देखते होंगे अरब जगत में, वहां पर इराक के अंदर आईएसआईएस नाम का एक अलकायदा का आतंकवादी वहां पर आकर के वहां पर किस तरीके से गैर मुस्लिमों को काट रहा है, गले यानी चाकू से गले को रेता जा रहा है। टेलीविजन के दृश्य को आप देखते होंगे, रोंगटे खड़ा करने वाला दृश्य होता है, पशुओं की तरह मनुष्यों को काटा जा रहा है, और केवल मनुष्यों को ही नहीं, गैर मुसलमानों को ही नहीं, आतंकवादी सुन्नी हैं तो सियाओं को भी काट रहे हैं। ईरान का जो मूल अर्थ था वो पहले आर्यन देश था, आर्य का मूल निवास स्थान था, और ईरान के बारे में कहा जाता है कि ईरान के जो मूल निवासी थे वो पारसी समुदाय के लोग थे, पर्शियन समुदाय के जो लोग थे वे अग्नि पूजक थे। अग्नि पूजक हम सब हैं, हम मंच पर आए, हम लोगों ने सबसे पहले दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया। ये दीप प्रज्वलन, ये अग्नि तो है, ये दीप ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है, ये अच्छाई का प्रतीक है, ये रचनात्मकता का प्रतीक है, ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस अग्नि का पूजक वह पारसी समुदाय हुआ करता था, और अभी आपने इराक के अंदर भी देखा होगा जो यजीदी समुदाय है वो अभी इसी अग्नि का पूजक है, इसी अग्नि का पूजक है। पारसी समुदाय को ईरान से समाप्त कर दिया गया, पारसी समुदाय अगर कहीं बचा हुआ तो केवल हिंदुस्तान में बचा हुआ है, बाकी नहीं बचा है, समाप्त हो गया, सब वहां पर इस्लामीकरण हो गया। अफगानिस्तान, आपने महाभारत को आपने देखा होगा, महाभारत का दृश्य, महाभारत ग्रंथ आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, या उससे पहले रामायण काल में आप जाइए, महाराजा दशरथ की रानी केकई वह तो उसी अफगानिस्तान से थी जो आज अफगानिस्तान अलकायदा की चपेट में है। आप महाभारत में आएंगे, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी वर्तमान कंधार की है, जो आज का कंधार है अफगानिस्तान का, उस कंधार की थी। इसका मतलब वहां हिंदू राजा हुआ करता था, लेकिन आज हिंदू राजा वहां नहीं, आज जो पूरी तरह इस्लामीकरण वहां का हो गया। हम गलती ना करें, अतीत में जो गलती ईरान के साथ हुई, जो गलती अफगानिस्तान के साथ हुई, जो गलती पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हुई, उस प्रकार की गलती करने की भूल हिंदू समुदाय, पूरी दुनिया के अंदर रहने वाला हिंदू समुदाय कतई न करें। इसलिए सबसे पहले अपनी परंपरा पर गर्व की अनुभूति करना हम सीखें कि हम अपनी ऋषि परंपरा का उत्तराधिकारी हैं, और इसलिए भारत की परंपरा पर, नेपाल की परंपरा पर, सनातन वैदिक हिंदू धर्म की परंपरा पर, अपने ऋषियों की उस महान परंपरा पर हम सबको गर्व की अनुभूति होनी चाहिए।